आज भारत जोड़ो यात्रा का 26वां दिन है और लखीमपुर खेरी हत्याकांड की पहली बरसी भी है। जैसा कि आप जानते हैं, ठीक एक साल पहले लखीमपुर खेरी में कई किसान मारे गए थे, हत्याकांड हुआ था, जिसमें बिल्कुल साफ सबूत था कि मोदी सरकार के एक मंत्री के बेटे उस षड्यंत्र में शामिल थे। आज भी वो व्यक्ति मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और इससे और अपमानजनक बात नहीं हो सकती कि जो किसान काले कानून के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे उनको जानबूझकर मारा गया और आज भी जो दोषी हैं वो मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा में मैसूर ज़िले में किसान के संबंधित मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हम आज संयुक्त किसान मोर्चा की मांगों को फिर से समर्थन देते हैं, ख़ास तौर से MSP की एक लीगल गारंटी होनी चाहिए और कई ऐसे मांग थे संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जिसका हमने हमेशा समर्थन किया है, करते रहेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा का एक मकसद ये था कि किसानों के लिए जो आर्थिक न्याय की ज़रूरत है उसको देने में मोदी सरकार असफल रही है, सिर्फ निजी कंपनियों को प्रोत्साहन दे रही है कृषि क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए। जो सार्वजनिक नीतियां हैं, जो पब्लिक इंटरवेंशन है, MSP हो या FCI से खरीद हो, प्रोक्योरमेंट हो, उसको कम किया जा रहा है, घटाया जा रहा है ताकि प्राइवेट कंपनियां कृषि के क्षेत्र में उनकी भूमिका बढ़े। ये हमारे देश के लिए बहुत चिंताजनक बात है। हमारे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन शॉप का सिस्टम है, उसके लिए बहुत चिंताजनक बात है।